हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखेंद्र टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में साइट मैप डॉट एक्सएमएल की प्रॉब्लम को लेकर के, और आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखा देता हूं, तो ये देख लीजिए, ये है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, साइट मैप में यहाँ पे कुछ इरर आ जाते हैं, कभी कभी साइट मैप डॉट एक्सएमएल में कुडंट फेच का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हालांकि इसके पहले मैंने इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया था और वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी वर्किंग है, उसमें आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था। लेकिन उस वीडियो पे जो है, तो मुझे एक कमेंट ऐसा देखने को मिला कि उस वीडियो को देखने के बाद उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बना देता हूँ, जिससे यह एक अल्टरनेटिव वीडियो भी हो जाएगा और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल में और यहाँ पे मतलब सर्च करना है साइट मैप जनरेटर। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा साइट मैप जनरेटर, एंड इसके बाद जो पहला लिंक आपको शो कर रहा है, इस लिंक को ओपन कर लीजिए। एंड यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम यानी कि यूआरएल नेम आप टाइप कीजिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने टाइप किया है mipchart.in, और यहाँ पे स्टार बटन पे क्लिक करिए। और ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हम कुछ देर वेट करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट मैप हमारा जनरेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे व्यू साइट मैप डिटेल पे क्लिक करेंगे, एंड इसके बाद डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। सो इन फोल्डर पे जाएंगे, ये देख लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो ये होम पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी ये साइट मैप ओपन नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैं सर्च कंसोल में आता हूँ और यहाँ पे भी मैं टाइप करूँगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, देख लीजिए। ओके, चलिए। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस के होस्टिंग पैनल में आना है, यानी किसी पैनल में आना है, होस्टिंग पैनल में जाना है, फिर इसी पैनल में जाना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इरिक होस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी होस्टिंग सर्विस है इनकी, irichost.in। और यदि आप इरिक होस्ट से कोई भी प्लान बाई करते हैं तो उसमें आप SIBAB कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। SIBAB कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी प्लान में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन टू सी पैनल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फाइल मैनेजर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आप यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा mipchart.in। और यदि आपकी होस्टिंग सिंगल साइट वाली है, यानी कि सिंगल डोमेन वाली है, तो आपको पब्लिक HTML में आना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, और इसके बाद इस साइट मैप को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ये अपलोड हो चुकी है और हम यहाँ से इसको करेंगे रिलोड। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा साइट मैप ओपन हो चुका है। और अब हम आते हैं सर्च कंसोल में, यहाँ पे आएंगे, टाइप करेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका होगा। तो देख सकते हैं ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल गया होगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।